नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कर्मों के आधार पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि एक बच्चा राजा के घर में पैदा हो रहा है, एक बच्चा झोंपड़ी में पैदा हो रहा है, एक बच्चे के शरीर पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और एक बच्चा लाख लाख दो दो लाख रुपये के कपड़े पहन रहा है। साथियों, आपने देखा होगा कि एक बच्चा कई दिनों तक भूखा रह रहा है, उसको पानी नहीं मिल पा रहा, रोटी नहीं मिल पा रही है और एक बच्चे ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां पर अनाम सलाम खाने के बाद वो डॉक्टरों के पास जाता है और डॉक्टर उसका दूध बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, रोटी बंद कर देते हैं। साथियों, क्या है, हम सब जानते हैं, हम सब प्रवचन भी करते हैं, हम सब कहते भी हैं, लेकिन मनन और चिंतन नहीं करते हैं। फिर भी हम एक दूसरे का बुरा करने पर लगे रहते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने में लगे रहते हैं, एक दूसरे से रिश्वत के तौर पर हम पैसा लेते रहते हैं और कहीं पर भी छीना झपटी होती है उसको भी कर लेते हैं, पिस्टल के आधार पर बैंकों को लूट लेते हैं, चेन स्नैचिंग कर लेते हैं, जेब काट लेते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य कर लेते हैं जो कि अनैतिक होते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। और फिर जब हम जेल और थाने जाते हैं, पुलिस और प्रशासन का प्रेशर होता है, फिर हम सिफारिश लगाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं कि बाबूजी हमें बचा लीजिए, कल को हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। साथियों, आपने देखा होगा कुछ लोगों को फांसी पर फांसी की भी सजा होती है, कुछ लोगों को आजीवन कारावास होता है, कुछ लोगों को पुलिस पर CIA उठा करके ले जाती है जो कि 10-10, 15-15 दिन के लिए रिमांड रखती है, लेकिन फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। साथियों, मैं निवेदन करता हूं, मैं देश का चिंतनशील व्यक्ति हूं, इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि ईमानदारी से ही पैसा कमाना चाहिए और ईमानदारी की रोटी ही अपने बच्चों को खिलानी चाहिए। जो लोग ईमानदारी का पैसा मेहनत करते हैं, समर्पण के साथ काम करते हैं, जितना वेतन मिलता है उससे ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे बीमार नहीं होते हैं, ऐसे लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होता है, अस्पतालों में नहीं जाता है, पुलिस के लोग नहीं खाते हैं। लेकिन जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और गलत तरीके से घर मकान दुकान बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, आपने देखा होगा कि कई प्रकार की परेशानी उनके सामने आ जाती हैं, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है या कहीं पर आगजनी घटना हो जाती है या कहीं मकान दुकान बनाते समय लेंटर गिर जाता है, उसमें लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे पुलिस केस हो जाते हैं, बहुत सारे एक्साइज टैक्सेशन के छापे पड़ जाते हैं, बहुत सारी परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। साथियों, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय को पहचाने, काल चक्र है, इस पृथ्वी पर जो आया है उसे जाना है, चाहे वो कितना भी जोड़ ले वो उसके साथ में नहीं जाता है, साथ में सिर्फ कर्म जाते हैं। और यही कहते हैं कि ये एक अच्छा इंसान था, कितना भला इंसान था, हर किसी के साथ में बड़े प्यार से बोलता था, बड़ी मोहब्बत के साथ करता था और हर किसी का भला करने की सोचता था। लेकिन देखो, एक ये ऐसा इंसान है, जब भी कोई उसके पास में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसे टर्म और कंडीशंस का सौदा करता है और अपने घरों को भरता है। साथियों, ये जीवन है, जीवन को समझो। मेरी तरह के इस पृथ्वी पर कितने आए और कितने चले गए, यहाँ पर कोई अमर नहीं हुआ, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, संत महात्मा आए, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई नहीं रुका, सिर्फ रुकी उनकी यादें, सिर्फ रुकी उनके कर्म। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि समाज में वह दीजिए आने वाले समाज को, ताकि वो आपके इतिहास को याद कर सके। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसमें बहुत ज्ञान भरी बातें हैं, इससे लोगों का लाभ होगा, पुण्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।